हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मारवाड़ के विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा, विधायक खुशवीर सिंह जोजावर। मारवाड़ विधायक खुशवीर सिंह जोजावर समाज सेवी अनूप सिंह लखावत जयपुर से पाली जाते समय सोजत मोड़ भट्टे से निकल रहे थे और बीच निर्माण कार्य के दौरान सर्विस रोड नहीं होने की वजह से वह सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण बार बार होते ट्रैफिक जाम व आए दिन होती दुर्घटना को लेकर समाज सेवी अनूप सिंह लखावत रेंद्रणी ने मारवाड़ विधायक खुशवीर सिंह जोजावर से आग्रह किया कि आपकी सरकार है, आप कुछ कर सकते हैं तो सोजत क्षेत्र के लिए भी कुछ करें। विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने तत्परता दिखाते हुए पाली जिला कलेक्टर अंशदीप को सर्विस सड़क के बारे में अवगत करवाया। आमजन परेशान हो रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सर्विस बनाने का आग्रह किया तो जिला कलेक्टर पाली अंशदीप ने तत्परता दिखाते हुए आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारियों को निर्देशित सर्विस सड़क बनाने के आदेश दिए, जिस पर आज शुक्रवार को सर्विस का कार्य मुस्तैदी से किया जा रहा है। आमजन में खुशी की लहर है तो वहीं क्षेत्र के वाहन चालक भी खुश नजर आ रहे हैं। गणमान्य नागरिकों ने मारवाड़ विधायक खुशवीर सिंह जोजावर व जिला प्रशासन व राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए तेंदड़ी से समाज सेवी अनूप सिंह लखावत इन्होंने ये कहा, परसों दिनांक 22 तारीख की शाम को मैं और मारवाड़ जंक्शन MLA साहब श्रीमान खुशवीर सिंह जी जोजावर साहब जयपुर से सोजत सिटी की तरफ आ रहे थे। तो जैसे ही हम सोजत सिटी मोड़ भट्टे पे आए तो यहाँ पर गंगा पेट्रोल पंप के पास जो ओवरब्रिज बन रहा है उसके पास बनी हुई सर्विस लाइन में हमारी गाड़ी जाम में फंस गई। तो जैसे ही हमारी गाड़ी जाम में फंसी तो मैंने श्रीमान जी से निवेदन किया कि MLA साहब, आपके द्वारा समर्थन दी हुई सरकार है और इस सरकार में हमारे सोजत वासियों की कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ सोजत की जनता ने और सोच के राजनेताओं ने कई बार मतलब उच्च अधिकारियों को ये अवगत कराया कि सर्विस लाइन बनाओ, लेकिन आज दिन तक ये सर्विस लाइन नहीं बनी और इस सर्विस लाइन के नहीं बनने के कारण आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती है और जाम लगता है तो और क्षेत्रवासियों को भारी समस्याएं हो रही है। तो श्रीमान MLA साहब ने, खुशवीर सिंह साहब ने तुरंत प्रभाव से उसी समय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पाली को मेरे सामने ही फोन किया, फोन करके ये अवगत कराया कि यहाँ पे सर्विस रोड टूटी हुई है और आए दिन जाम लगते हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, आप तुरंत प्रभाव से मतलब ये रोड बनाने की कष्ट करें। अगर ये दो दिन में रोड बनाने का काम नहीं किया गया आपके द्वारा तो मैं स्वयं आपके कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।